यूट्यूबर मनीष कश्यप को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं जिन पर तमिलनाडु पुलिस ने NSA के तहत कार्रवाई की। इससे पहले बिहार में मनीष पर केस दर्ज किया गया था। दरअसल मनीष को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो मनीष ने शेयर किए। वहीं अब मनीष की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बिहार और तमिलनाडु में दर्ज अलग अलग FIR को एक साथ लाने की यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सिर्फ खारिज ही नहीं किया बल्कि इनको फटकार भी लगाई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जमशेद बुरजोर परदीवाला ने कहा कि तमिलनाडु एक स्थिर राज्य है, आप अशांति फैलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, इस पर हम विचार नहीं कर सकते। नाराजगी जाहिर करने के बाद कश्यप को याचिका संबंधित हाईकोर्ट ले जाने के लिए भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NSA और दूसरी राहत की मांग को लेकर मनीष कश्यप को संबंधित अथॉरिटी में याचिका दाखिल करना चाहिए। सोमवार को जब सुनवाई हुई तो उस दौरान CJI ने पूछा कि बिहार में जो FIR दर्ज हुई है वो किस घटना को लेकर। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील ने कहा कि पहली FIR फेक वीडियो को लेकर है, दूसरी पटना एयरपोर्ट पर दिए गए बयान को लेकर जो विवादित है, तीसरी FIR हाथ में हथकड़ी वाले फोटो को लेकर है। बिहार सरकार ने कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। वहीं मनीष की ओर से जो वकील थे सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि मनीष ने मुख्य समाचार पत्रों के आधार पर वीडियोस बनाए हैं। अगर उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो दूसरे समाचार पत्रों के पत्रकारों को भी हिरासत में लेना चाहिए। आखिर में बता दें कि सुनवाई में मनीष की ओर से 3 मांगें की गई थी, जिसमें पहली मांग मनीष कश्यप के खिलाफ दोनों राज्यों में दर्ज सारे केस को क्लब करने की, दूसरी मनीष को रेगुलर बेल देने और तीसरी तमिलनाडु सरकार की ओर से लगाए गए NSA को हटाने की मांग थी। हमारे वीडियो पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावल और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।